रुकते कहाँ हैं जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। रस्तों के बंधन ना माने कोई जगह ना खोती जाने, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, कोशिश से हर उलझन सुलझे। आज यहाँ कल कहाँ बसते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। परमू परमू जरा देख तो कौन आया है, सूरज का मामा आया है। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है, आना इधर आ बैठ। कैसा है तू? ठीक हूँ। अरे तू तो बिल्कुल बाबू बन गया है। कहाँ था इतने दिनों से? मैं वही शहर में था। कोई संग आया है? हाँ। तो फिर बता ना कौन आया है। माँ, ये माँ। सच? सच। चल फिर देखते हैं किधर है। वो घर पर है, इसने जिद की तो इसे यहाँ ले आई। आज मैं बहुत खुश हूँ, किसी को मेरी याद तो आई। याद? कितना रोती थी माँ तेरे को याद करके, कुछ मालूम है? नहीं, कहाँ चली गई थी तू? छोड़ना, जहां भी थी जैसे भी थी ये सब तो छोड़, अब मैं अच्छी हूँ, तेरे सामने हूँ। परमू, राघव भाई आ गए हैं। पता नहीं। पता नहीं? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, राघव भाई आ गए हैं। अच्छा, राघव बाबू आ गए शहर से? हाँ, पर बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। मैंने उन्हें अफसरान के आने के बारे में बताना चाहा तो कहने लगे शाम को बात करेंगे। कमाल है, ऐसा तो कभी नहीं करते राघव बाबू, बल्कि उन्हें तो सबसे ज्यादा चिंता होती है उन अफसरों। पता नहीं, फिर मैंने भी ज्यादा जेवर नहीं की। अच्छा चमेली, तो इसे लेकर घर जा, तब तक मैं देखकर आती हूँ। चलें। ये जनाब कौन है, पहले कभी देखा नहीं इनको। ये शहर से आए हैं, सूरज के मामा हैं। सूरज के मामा? पर परमू ने इनके बारे में कभी बताया नहीं। माँ भी तो आई है, उन्हें मैं घर छोड़ आई हूँ। माँ आई है? परमू की माँ? अब जितना पता था मैंने बता दिया, जो कुछ भी पूछना है इनसे पूछो। आप जन्म शहर में क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छे, कब आए? अभी अभी आए हैं। जाओ चमेली, इन्हें घर छोड़ दो। अरे नहीं भाई साहब, मैंने घर देखा है, मैं चला जाऊंगा, ये तो घर है। अरे नहीं जनाब, चमेली आपको घर छोड़ देगी। चमेली ले जाओ। अच्छा हाँ चमेली, चल घर। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बताओ ना क्या बात है। परवेज भाई को टाल सकते हो, मुझे नहीं। बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम अभी जाओ, कल बात करेंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? कहा ना,
इस वक्त नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे तंग मत करो, तुम जाओ। अच्छा घर चलो, देखो कौन आया है। तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि कौन आया हुआ है। क्यों बच्चों जैसी बात कर रही हो? मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, फिर भी जाने की रट लगा रखी है, हा? तुम्हें अपने सिवा किसी और की परवाह है? मैंने ऐसा कब चाहा था? तुम तो बस अपनी जिंदगी से चिपकी रहो, तुम्हारी बला से कोई परेशान हो, जिए या मरे, इससे तुम्हें क्या? तुम तो बस अपने उन मेहमानों में उलझी रहो, बस इतनी सी है तुम्हारी जिंदगी। सुनो, बिमला अब ज्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं है। क्या हुआ है उसे? बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है उसे? क्यों नहीं जी पाएगी वो? एड्स, एड्स हुआ है बिमला को, वही भयानक रोग जिससे मैं तुम सबको सावधान करता था। हाय राम, उसे ही होना था, उसे ही तिल तिल करके मर्डर लिखा था। अब रोना धोना बंद करो और होश में आओ। जमीली। हाँ राघव बाबू, मैं, और मैंने सब कुछ सुन लिया है कि बिमला। तुमने कुछ नहीं सुना है चमेली, कसम दो चमेली, तुमने कुछ नहीं सुना है। और जब तक मैं न कहूं ये बात तुम किसी और से नहीं कहोगी। नहीं कहना चमेली। हाँ राघव बाबू, विश्वास रखिए मुझ पर। अब क्या होगा? होना क्या है, इस रोग ने तो बिमला का भविष्य ही लिख दिया है। उसे बता दिया है? नहीं, अभी आया हूं, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा, कैसे बताऊं उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे ना बताना ही ठीक है राघव बाबू, तिल तिल करके मरती रहे उससे तो अच्छा है उसे पता ही ना चले। नहीं, उसे बताना तो होगा ही, कम से कम सावधानी ही रहेगी। क्या समझते हो कि विमला जिस रास्ते से लौट आई है वो उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी? मन चंचल है, काबू में न रहे, पर बदले की भावना इतना सर उठा ले कि हर सीमा हर रास्ता भूल जाए। बहुत गलत सोचा है उसके बारे में राघव बाबू, बहुत गलत सोचा है। नहीं चमेली, एड्स के रोगी ही ये रोग फैलाने पर उतर आते हैं। क्यों, क्यों करते हैं वो ऐसा? जिस समाज ने उन्हें मौत दी है, मरने का अभिशाप दिया है, उसे ही समाज को लौटाकर उन्हें शांति मिलती है। तुम लोग मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। देखो बताना तो उसे पड़ेगा ही, कैसे बस यही सोचना है। सुनो तुम घर जाओ, हो सका तो मैं शाम को वापस आऊंगा। इस वक्त तो मुझे बस एक ही फिक्र है, और वो है बिमला। क्या खास चिंता है किसी को बिमला की? शाम हो चली है, कोई इधर भटका भी नहीं। बुखार तो नहीं है, अब जाकर देखूं तो? ये मेरी चमेली भी तो पता नहीं आज कहां गायब हो गई है। जरूर परमो के यहां होगी, मैं देखकर आती हूं। चलो, तुम्हें परमो की याद तो आई? मैं तो समझी थी कि तुमने सोचा होगा परमो कहीं मर खप गई। अरे इसी की बदौलत तो तुझसे मिली हूँ। ये मरा कहीं से अखबार ले आया था, उसमें तुम्हारे और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के बारे में छपा था, बस तभी से यहाँ आने की रट लगाया था। अरे आप, और तुम भी आए हो? नमस्ते राघव बाबू। नमस्ते। क्यों राघव बाबू चौंक गए ना? अरे और नहीं तो क्या, आप तो वहाँ से ऐसे गायब हुई कि मैंने तो सोच लिया था
कि अब आपसे मुलाकात नहीं होगी। अरे जब किस्मत में लिखा था तो भेंट तो हो गई थी। तुम ठीक कहती हो अम्मा। आजकल मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, मैं इसमें भी नहीं पीता हूँ सच। वाह ये तुमने बहुत अच्छा किया। जीना भाई कहाँ थी इतने दिनों आप? अरे हाँ क्या नाम था उस सेंटर का जहाँ तुमने टूडा को भर्ती कराया था? रिहैबिलिटेशन सेंटर। हाँ वही। इसका इलाज तो तुम्हारे सामने ही चल रहा था ना। उधर रिहाना की मौत ने मुझे भीतर तक से हिला कर रख दिया था। तभी सोच लिया था कि अब वहां नहीं रहना है। 3-4 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो गया और ईश्वर की कृपा से इसने माँ के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। अरे तो जीना भाई गलत थोड़ी ना कहता था मैं। भाई आदमी अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसे सुधारा भी तो जा सकता है। भैया मैं काम करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हो? स्टेशन है ना भैया स्टेशन, उसके बाहर रेडी लगाता हूँ। पहले से खूब ज्यादा पैसे कमाता हूँ, खूब ढेर सारा पैसा लेके घर जाता हूँ ना। तो मेरी तुम्हारी क्या बोलो? अरे शादी कर दी है इसकी, बहुत खुश है दोनों, पहली लाश से रखता है उसे। और आप जीना भाई? मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, मैं भी इसी के संग रहती हूँ। स्टेशन के पास एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं बहुत खुश हूँ जीना भाई। तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ। परमू को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये वही पम्मी है। हम जैसी औरतों का नसीब ऐसे भी करवट ले सकता है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ईश्वर ईश्वर तुम्हें 1000 बरस की उम्र दे। जो तुझे मैंने कहा था कि घर में आराम कर, तो तेरे पांव घर में नहीं टिकते क्या? क्यों गई थी बाहर? हारी बीमारी तंग ही कर डाले और फिर रोना आए तो रो भी नहीं क्या? पर तू गई कहाँ थी? मन नहीं लग रहा था मेरा, सोचा परमू के घर ही चले जाऊं। फिर तो मैंने बहुत गलत किया ना? अरे नहीं अब मुझे बुखार नहीं है और अब मैं कल से केंद्र भी आया करूंगी। हाँ तेरे बिना मन ही नहीं लगता। और तुझे पता है कल राघव बाबू ना स्वास्थ्य केंद्र का मुहूर्त कर रहे हैं और सारे गांव वालों को उधर ही बुलाया है उन्होंने। तो फिर मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे किसी ने बताया, बुलाया किसी ने मुझे? अरे वही तो बताने आया हूँ और साथ में बुलाने भी। अरे राघव बाबू आप नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम परमू की आनी है? उसकी अम्मा आई है और साथ में सूरज का मामा भी। मैं तो आई रही थी कि ये चमेली मिल गई। तुम जूना भाई को जानती हो? जूना भाई? हाँ परमू की अम्मा, मुझे 1000 बरस जीने की दुआ कर रही थी। ठीक ही तो कह रही थी। अरे क्या खाक ठीक कह रही थी भाई, 1000 बरस जीकर भी कोई सलीके का नेकी का काम नहीं किया तो 1000 बरस जीने का भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाई भगवान छोटी सी जिंदगी दे और नेकी भली के ढेर सारे काम करवा ले, और क्या चाहिए? क्यों कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं राघव बाबू आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा विमला मैं भी चलता हूँ, कल की बहुत सारी तैयारियां करनी ठीक है। राघव बाबू मेरी रिपोर्ट तो ले आए होंगे, क्या बीमारी निकली? नहीं कुछ खास नहीं, कल आओगी तो बता दूंगा। फिलहाल इतना ही कि खाने पीने की अच्छी खुराक और थोड़ा सा परहेज। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, वैसे अभी सिर्फ उतना ही बताया है जितना तुम्हें जानना चाहिए। खुराक और खान पान में हमें वो सब नहीं मिलता जो हमारे शरीर को चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में छोटी मोटी चिकित्सा की व्यवस्था होगी जिसका सबसे ज्यादा लाभ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलेगा, जिससे वो स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। हमारी गर्भवती बहनों को गर्भ के 4th, 5th और 6th महीने में टेटनेस और पीलिया के टीके लगना जरूरी है और उसके साथ ही नवजात शिशुओं को पहले महीने में तपेदिक और चिकन पॉक्स यानी कि बड़ी मात्रा से बचाव के टीके
तीसरे और चौथे और पांचवें महीने में एक टीका काली खांसी, गलघोटू और टिटनेस का जरूरी है, और उसके साथ ही पोलियो से बचने की दवा की कुछ बूंदे जरूरी हैं। इन टीकों और पीने की दवाओं की व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य केंद्र में है। आप लोग याद रखिए कि महीने के हर पहले बुधवार को डॉक्टरनी शहर से आएगी। वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जांच करेगी, मुआयना करेगी और इनको सुरक्षा टीके लगाएगी। हाँ, और साथ ही याद रखिए कि एक स्वस्थ और निरोग माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। हमारे बच्चे स्वस्थ हों, यही हमारा प्रण होना चाहिए। हमें आशा है जिस तरह का उत्साह आप लोगों ने शिक्षा केंद्र में दिखाया है, उसी तरह का लाभ स्वास्थ्य केंद्र का भी उठाएंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश पोलियो की दवाई मैंने पहले ही दे दी होती तो टूडा का ये हाल नहीं होता। तेरा है दुरुस्त है, लेकिन टूडा की औलाद का तो ख्याल रखिएगा। हाँ जरूर राघव बाबू, रिहाना की मौत ने मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया। क्या उन रोगों की जानकारी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए? जूना भाई, आप सही कह रही हैं। राघव बाबू, कैसे रोग? यौन रोग। चंद्रभान जी, अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि चाहिए ये कि इन मामलों में डॉक्टर से जरा भी पर्दा ना करें। राघव बाबू, जब सभी लोग यहाँ पर हैं, तो फिर क्यों ना इन यौन रोगों के बारे में बात की जाए। हाँ राघव बाबू, जानलेवा बीमारी की जानकारी में ही बचाव है। अन्य किसी यौन रोग का तो इलाज हो सकता है, लेकिन एक ही ऐसा रोग है जिसका इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, और वो है एड्स। ओह, एड्स, जो असुरक्षित यौन संबंधों से, एचआईवी युक्त खून चढ़ाए जाने से, या एड्स के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन से जो दूसरे मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाए तो, या फिर हमला से, मेरा मतलब है गर्भवती स्त्रियों से जो एड्स की शिकार हैं, उनके होने वाले बच्चों को एड्स हो सकती है। परवेज भाई, आपको पता है ये सब? थोड़ा बहुत। राघव बाबू, इसके कुछ लक्षण भी तो होंगे। हाँ, लगातार वजन का घटना, जल्दी जल्दी बीमारियों का लगना, सोते समय अधिक पसीना आना, दस्त या पेचिस का बार बार होना, या फिर बुखार का बना रहना। ऐसा ही तो मुझे भी होता रहता है। तू चुप कर, हर वक्त अपनी मत हका कर। राघव बाबू, कोई पुख्ता लक्षण भी तो होंगे। चंद्रभान जी, खून में हीमोग्लोबिन की कमी और व्हाइट सेल्स का औसत से कम होना शक की लकीर तो खींच सकते हैं, लेकिन पुष्टि के लिए एक ही टेस्ट अनिवार्य है और उसका नाम है एलिजा टेस्ट। और हाँ, एड्स हो जाने के 3 महीने बाद ही कामयाब होता है ये टेस्ट। पर वो क्यों, पहले क्यों नहीं पता चल सकता? चमेली, ऐसा है कि एड्स का कीड़ा एक वायरस है जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, और जिस रोगी में ये वायरस होता है उसे एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा एड्स के बारे में चेतना फैला सको। आप अच्छा कर रहे हैं, हम वादा करते हैं कि ये चेतना हम अवश्य फैलाएंगे, लेकिन आप ये तो बताइए कि ये वायरस अपना काम करते कैसे हैं? चंद्रभान जी, इसके लिए सबसे पहले खून की संरचना को जानना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? खून तो आखिर खून ही होता है। नहीं, खून छोटे छोटे सेल से बनता है। ये सेल आंखों से नजर नहीं आते, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद। कमाल है जी, लाल सेल्स ऑक्सीजन बांटते, कार्बन डाइऑक्साइड बटोरते, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, और व्हाइट सेल्स एक तरह के सिपाही हैं। जब हमारे शरीर में रोग के जम्स घुसते हैं तो ये हरकत में आ जाते हैं और उसी जम की शक्ल ले लेते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये तो कमाल के सिपाही है राघव बाबू। बिल्कुल ठीक जाना है तुमने चमेली। एड्स के वायरस शक्ल बदलते रहते हैं और व्हाइट सेल्स को एंटीबॉडीज बनने में परेशानी होती है और समय ज्यादा लगता है, और इसकी पकड़ 3 महीने बाद ही हो पाती है, जिसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सफेद सेल 3 महीनों में वायरस की शक्ल बदलते रहते होंगे और नष्ट होते रहते होंगे। बिल्कुल ठीक समझा तुमने परमा, इसीलिए व्हाइट सेल्स के बनने में भी तेजी नहीं हो पाती। भाई, जब रोग से लड़ने वाले शरीर में सिपाही ही कम हो जाएंगे तो कोई भी रोग आसानी से लग जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रभान जी। भाई, एड्स के वायरस हमारे शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती। क्या यही वजह है कि एड्स के मरीज की मौत तपेदिक
यानी टीबी से या पेचिस से या दस्त लगने की वजह से होती है? बस अब और नहीं बताऊंगा, पहले उतना समझिए जितना दूसरों को समझा सके। ये बात ठीक है भाई। देखिए एड्स के बारे में अगर कुछ और पूछना है तो आकर पूछ लीजिएगा, धूप बहुत हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। वैसे ज्ञान को जितना सहेजेंगे उतना ही कम है, क्यों चंद्रभान जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राघव बाबू। तो अब चलें? चलिए। इतना पढ़ते रहते हो तभी तो इतना ज्ञान सहज के रखा हुआ है। क्या करें जुना भाई, जीवन में सबको इतने नकाबों के पीछे छुपा देखा है कि अब सच पर कोई नकाब मंजूर नहीं। हाँ, इसीलिए तो सच को सच की शक्ल में रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो क्या कुछ गलत करते हैं जुना भाई? भविष्य की पुख्ता जमीन पर बढ़ते हुए खुशबू के कदम और टूटा में सुधार, इन सभी ने मेरा तो तुम में पक्का यकीन पैदा कर दिया है। अरे हाँ, हमारी खुशबू का क्या हाल है? वो खुश तो है? बहुत खुश है जुना भाई, हस्तशिल्प के न जाने कितने प्रशिक्षण ले लिया उसने। देखना एक दिन अपना कुटीर उद्योग खोलेगी। कितनी तरक्की की है उसने। वक्त की बात है, रेहना के बढ़ते वक्त ईश्वर ने सब बुद्धि दे दी, वरना न जाने उस मासूम खुशबू के भविष्य का क्या होता। होना क्या था, एक और पम्मी एक और रेहना बनती। तुमने विमला से बात की? नहीं, सच पूछो तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूं। चल परमू, इनका वक्त बड़ा कीमती है, क्यों खराब करें? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर बैठिए ना। नहीं फिर कभी, दरअसल मैं अपने दिल की कुछ बात करना चाहती थी। हाँ तो बेझिझक कहिए, क्या बात है? कहिए ना जूना भाई, क्या बात? तुम्हारा ये प्रयास, ये जनचेतना का आंदोलन मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच कह रही है जूना भाई, ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए? मैं सच कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरा मतलब है मैं यही रह जाऊँ और तुम्हारे इस आंदोलन का एक हिस्सा बन जाऊँ। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी जूना भाई, मुझे भी खुशी होगी। अम्मा किसकी है, परमू की ना? पर मैं पढ़ी लिखी कहाँ हूँ? अब रहने दो अम्मा, मैं तो जैसे बड़ी एमए बीए हूँ ना। ऐसा क्यों सोचती हो जीना भाई, जितनी शिक्षा तुम्हारे पास है उससे कहीं अधिक कुछ कर पाने की लालसा है आप में, बस यही काफी है। अब बिमला और चमेली की भागीदारी को ही देख लीजिए। अब चले परमू? अच्छा चले। अच्छा राघव बाबू, वक्त से खाना खा लीजिएगा। मेरी रिपोर्ट तो ले आया है, क्या बीमारी है? नहीं कुछ खास नहीं, कल आपको बता रहा हूँ। फिलहाल कहते हैं कि खाने पीने की अच्छी खुराक और थोड़ा सा। आप कुछ छुपाते हैं? नहीं कुछ खास नहीं। अन्य किसी यौन रोग का तो इलाज हो सकता है, लेकिन एक ही ऐसा रोग है जिसका इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है और वो है एड्स। ओह यस, जो असुरक्षित यौन संबंधों से। इसके कुछ लक्षण भी तो होंगे। लगातार वजन का घटना, जल्दी जल्दी बीमारियों का लगना, सोते समय अधिक पसीना आना, दस्त या पेचिस का बार बार होना, या फिर बुखारता बना रहे, या फिर बुखारता बना रहे, या फिर बुखारता बना रहे। ऐसा ही तो मुझे भी होता रहता है। क्या यही वजह है कि एड्स के मरीज की मौत तपेदिक यानी टीबी से या पेचिस से या दस्त लगने की वजह से होती है? वो एड्स, जो असुरक्षित यौन संबंधों से, जो असुरक्षित यौन संबंधों से। लेकिन एक ही ऐसा रोग है जिसका इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब बिमला अधिक दिन जीने नहीं रह पाएगी, उसकी सांसें अब बहुत कम हो गई है, उसकी सांसें अब बहुत कम हो गई है। मैं सच कह रहा हूं,
अब बिमला अधिक पूछी एड्स हुआ वसे होना क्या है इस रोग ने तो बिमला का भविष्य शेर नहीं आया ज्यादा से ज्यादा चार पांच बरस बरस जिंदा रह पाएगी ज्यादा से ज्यादा चार पांच बरस बरस जिंदा रह पाएगी ओहो यस जो अपनी जान संभालो से जो अपनी जान संभालो से जिसका इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है जो अपनी जान संभालो से ओहो यस जो अपनी जान संभालो से जब विमला को हो सकता है तब मुझे क्यों नहीं जूनाबाई के कोठे से यहां सुजानपुरा तक न जाने कितनी बार और किस किस से मिली हूं और वो भी बिना सावधानी का उपाय किए और ये रोग तो एक ही बार से हो जाता है नहीं मेरे सूरज का क्या होगा मेरे बाद उसका क्या होगा अगर मैं मर गई तो नहीं समर्पण दुनिया एक अनोखा दर्पण बिंब भले ही धूमिल उभरे जीवन अब से कोई न उजड़े दुखियारों का दर्द बांटते हैं ये बढ़ते कदम बढ़ते कदम